नमस्कार, मैं धीरज सिंह, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जो सिवान में ही नहीं पूरे बिहार में जिनकी राजनीति सक्रियता की बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है। आज हमारे साथ सिवान सांसद के पति श्री अजय सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से चुनाव इनके लिए कठिन रहा, चुनाव से लेकर जीत तक आने में क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल हमारा ये है कि चुनाव निपट चुका है, आप जीत चुके हैं, कितना कठिन था ये चुनाव आपके लिए? कठिन नहीं था, लोगों को देखने में कठिन दिख रहा था, लेकिन चुनाव कठिन था नहीं, क्योंकि एक असत्य को हराना कोई कठिन बात नहीं होती है। दिखता कठिन है, असत्य के साथ खड़ा होना बहुत बड़ा कठिन है, लेकिन असत्य को सत्य से हराने के लिए कोई कठिन नहीं है। वो आसान होता है कि असत्य तो हरा हुआ है, इसलिए उसको हराने में बहुत कठिनाई नहीं होती। तो जब चुनाव मैदान में आप लोग उतरे थे, तब कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि जो 3 बार से लगातार साहबुद्दीन की पत्नी आपके सामने थी, तो कितना मुश्किलात सामना करना पड़ सकता था, कितना चुनौती दे रही थी वो आपको? लोगों में डर था, लोग दबके हुए थे, छुपे हुए थे, खुल के बोलते नहीं थे। साहबुद्दीन के दहशत से लोग डरे थे, और माहौल तो था ही। आज भी दहशत कायम करने के लिए उस साहबुद्दीन के गुंडे ने अपनी कला कुशलता को छोड़ा नहीं, लोगों को धमकाया, लोगों को डरवाया, छली बली मैंने छल बल सब यूज किया, लेकिन जनता को इतना ना हम लोगों ने आत्मबल दिया और इतना ना हम लोगों ने जनता को एक आत्मबल देने का कार्य किया कि जनता उत्साहित हुई और पूरी सिवान की जनता निर्भीक होकर के अपना वोट खोल कर दी, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग चुनाव जीते। जब चुनाव के पहले टिकट का बंटवारा हुआ तो उसमें बीजेपी जेडीयू और एलजेपी साथ लड़ने का निश्चय किया था, तो उसमें जेडीयू को 17 सीटें गई थी, उसमें सिवान भी था। तो माना जा रहा था कि अगर जेडीयू के खाते में गई तो बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़े नाराज चलेंगे, तो आप उन लोगों को भी कैसे अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होते? बीजेपी के कैंडिडेट जो थे उन्हीं से बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज थे, हमसे कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज नहीं रहता है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे ही फेवर में रहते हैं, हमारे ही पक्ष में रहते हैं, चाहे हम किसी पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता सब हमको वोट करते हैं, दिलवाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ओम प्रकाश यादव के लिए उनकी ही पार्टी के लोग विपक्ष में खड़े हुए थे, जिनके खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बन गया था उनके? तो सब देखने को मिला कि जितने लीडर थे बीजेपी के सिवान में, सब ओम प्रकाश जी के विरुद्ध में थे। अच्छा। और उनको इस बार टिकट मिलता तो वो लोग हरा देते उनको, क्योंकि वो बीजेपी थे और बीजेपी के नेता के या बीजेपी के कार्यकर्ता के भरोसे थे, और बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के नेता उनके विरुद्ध थे। हम लोग तो जेडीयू के थे, इसलिए जेडीयू के हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ थे, और बीजेपी के कार्यकर्ता भी चाहते थे कि अजय सिंह चुनाव लड़ें, उनके परिवार से कोई चुनाव लड़े तो हम लोग साथ देंगे, क्योंकि हिंदुत्व की जो बातें थी वो बात कोई कर नहीं पाता था, और हिंदुओं का वोट लेकर के और हिंदुओं की बात नहीं करता था, हिंदुओं के लिए काम नहीं करता था, इसलिए वहाँ के हिंदू समाज पूरा नाखुश था, नाराज था, और जिसके वजह से लोग खोज रहा था कि मेरा कोई प्रतिनिधि आए जो हिंदुत्व की बात करे और हिंदू की काम करे, नहीं तो लोग वोट ले लेता था हिंदू का और हिंदुओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी काम के लिए, और जो पहले से लोग थे उन्हीं के लोग, दलाल किस्म के लोग, उनको भी छाप लेते थे, उनके भी साथ रह करके अपना उल्लू सीधा कर लेते थे, और जो ओरिजिनल बीजेपी के लोग थे वो असहाय दिखते थे, अपने आप को ठगी महसूस करते थे, इसलिए इस बार सारे हिंदू समाज के लोगों ने हम लोगों को वोट किया और वोट करके जिताया, और हम लोगों के लिए चुनौती है कि पूरे हिंदू समाज को संगठित करके ले चलना और हिंदू समाज के लिए हिंदुत्व के संवर्धन के लिए कार्य करें, सनातन के मजबूती के लिए काम करें, और देश के मजबूती के लिए कार्य करें, और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए काम करें। यह हम लोगों के लिए चुनौती है और इस पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे। तो इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र में माना जा रहा था कि मोदी के नाम पर जो है सारे जितने सांसद हैं वो जीत करा गए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के रहे हों, किसको इस जीत का श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, ये जीत का श्रेय सिवान की अमन चैन पसंद जनता की है, और पूरी जो अमन चैन पसंद करते हैं जो सिवान की जनता, उन्हीं लोग को जीत है,
नीतीश कुमार जी के विकास का जीत है और नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा का जीत है, ये सारे लोगों का जीत है, हम लोगों की सादगी की जीत है, और हम लोगों का विकास और जनता के साथ मिलजुल, जनता के साथ व्यवहार जो अच्छा किए थे उसका जीत है, इन सारे मिश्रण का जीत है, एक किसी का जीत कहना वो बेमानी होगी। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल है कि ये जब सांसद बन के आए आप कविता सिंह जी, तो आप लोग सबसे ज़्यादा किस और क्षेत्र पर ध्यान रहेगा कि उन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास करना है? क्योंकि जहाँ पिछड़ा है, जैसे दरौदा हमारा है, दरौदा विधानसभा से हम लोग लगातार विधायक रहे हैं, तो वहाँ तो हम लोग विकास की गाड़ी को रफ्तार दिए हैं, लेकिन बाकी दरौली विधानसभा क्षेत्र है, बाकी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है, और जो है जीरादेई है, और सारे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ कम विकास हुआ है, वहाँ के विकास को हम लोग आगे ले जाएंगे। मुख्य रूप से दरौली विधानसभा क्षेत्र है जो पिछड़ा है, वहाँ बहुत दिनों से जो है माले के विधायक हैं जो कुछ कर नहीं पाते, और वहाँ के लोगों का विकास करना पहली प्राथमिकता होगी। दरौली विधानसभा सबसे ज़्यादा वोट किया है, इसलिए दरौली विधानसभा क्षेत्र का विकास और पूरे सिवान का विकास वाला प्राथमिकता होगा। अच्छा, तो 2020 के लिए आप किस तरह किस भूमिका में नजर आएंगे जेडीयू पार्टी के लिए? 2020 में पूरे सिवान के 8 विधानसभा और सारण के 8 विधानसभा, गोपालगंज के विधानसभाओं में जा करके हम अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, और मेरे नेता चाहें तो मैं पूरे बिहार में जा करके अपने पार्टी के मजबूती के लिए कार्य करेंगे, और पूरे हिंदू समाज को जगाएंगे, जो कोई उनको ठग के न ले जाएं, और ठगेरों के हाथ में हिंदू समाज न जाएं, काम करने वालों के साथ जाएं, और काम जो करेगा उसके साथ ही हिंदू समाज रहेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है, और किसी के बहकावे में और फंसाने में हिंदू समाज आने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ अजय सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जीत का श्रेय सिवान की जनता को जाता है, और 2020 के लिए चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो कि पूरे बिहार में अपनी सक्रियता हो सके तो निभाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।